हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ आई हूँ जस्ट टू शो माय डेली रूटीन आफ्टर बाथ। तो मैं नहाने के बाद अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और मैं रिकमेंड करूँगी आप सबको जिसकी स्किन मेरी जैसी है, ना ड्राई ना ऑयली, वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर यूज़ करूँगी। लास्ट टाइम आई हैड ग्रीन एप्पल वन, तो अभी मेरे पास ये रोज़ ग्लो वाला है, तो मैं ये रोज़ ग्लो वाला यूज़ करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू स्प्रे इट इन योर फेस एंड लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम। डैप इट इन दिस पोर्शन। यू कैन यूज़ अ कॉटन, आप कॉटन के साथ भी कर सकते हैं, इसके पीछे लिखा हुआ ही है यू कैन यूज़ कॉटन, बट मैं इसे हैंड से ही ऐसे डैप डैप करके इसे सुखाने की कोशिश हमेशा करती हूँ ताकि ये सूख जाए और इट गिव्स अ यू नो नेचुरल यू नो ब्राइटनेस टू योर फेस। सो मेरे ये फेस में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। एंड द सेकेंड थिंग आई यूज़ इज स्किन मॉइस्चराइजिंग फेस सीरम। ये मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मुझे यू नो फ्री में मिला था। मैंने बहुत सारी चीज़ें पर्पज से ख़रीदी थी तो मुझे ये फ्री में मिला था, बट आफ्टर यूजिंग दिस आई फेल्ट लाइक दिस इज अ मस्ट यूज्ड आइटम। लाइक जो भी लड़कियाँ हमेशा बाहर जाती हैं या फिर मेकअप करना पसंद करती हैं, तो मेकअप के पहले भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स जस्ट मॉइस्चराइजिंग के पहले इसे यूज़ करना, यू नो लाइक इट गिव्स यू अ वेरी नाइस टोन टू योर फेस। लाइक आप जब टोनर यूज़ करते हो ना, उससे भी बेटर ये ऑयली ऑयली सा एक फील देता है जो आपके फेस पे बहुत टाइम तक रहता है। सो इट गिव्स रियली यू नो नाइस टेक्स्चर टू योर फेस। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, मोस्टली यूज़ करती हूँ, दिस इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि यू नो आपको इसे यूज़ करना चाहिए, दिस इज़ रियली नाइस। सी दिस, दिस कम्स इन दिस यू नो दिस काइंड ऑफ वाइट कलर ऑफ टेक्स्चर, दिस वाइट कलर ऑफ ड्रॉप इज देयर इन माय हैंड, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो आपको इसे फेस पे ऐसे अप्लाई करना होता है। सो यू कैन यूज़ इट इन द डिफरेंट वे ऑल्सो, बट मुझे ये ऐसे ही यूज़ करना पसंद है, मैं ज़्यादा इन्हों झगड़ना नहीं चाहती, जस्ट मेक इट इन द सर्कुलर मोशन एंड अपने फेस पे नेक पे अप्लाई कर लो। दिस इज़ अ सीरम, नो इट गिव्स यू अ वेरी नाइस लुक आफ्टर दिस। एंड ये मतलब आपके फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। इस पर लिखा है इम्प्रूव स्किन टेक्स्चर, बैलेंसेज सीबम लेवल, इवन आउट योर स्किन टोन, नरिशेज द स्किन। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड, ये नरिश जरूर करता है मेरे फेस को, मैंने भी बहुत बार अप्लाई किया है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो आफ्टर दिस ये पूरा ड्राई हो चुका है, एंड आफ्टर दिस आई ऑलवेज प्रीफर ये प्लम इल्यूमिनेंस वाला क्रीम मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो कि मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मे बी मोर देन 2 ईयर्स आई एम यूजिंग दिस, एंड दिस इज़ वेरी नाइस गाइस, दिस इज़ रियली वेरी नाइस। आई कैन अश्योर यू, आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि ये आपके फेस को डीप मॉइस्चराइजिंग करता ही है। एंड मैं इसे यूज़ करती हूँ, एंड आफ्टर दिस माई मदर ऑल्सो यूजेज दिस, एंड शी ऑल्सो फील्स के ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसे आप थोड़ा सा यूज़ करोगे ना तभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं पहले इसे थोड़ा फेस में यू नो रख के थोड़ा टाइम उसके बाद इसे रब करती हूँ, लेकिन आज आई जस्ट डिड इट इवेंचुअली लाइक दिस, बिकॉज मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, एंड इससे फेस पे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाता है। जस्ट टू टेक अ लिटिल बिट, कीप इट इन द टू फिंगर एंड जस्ट रब इट लाइक दिस। सबके मसाज करने के तरीके अलग होते हैं, सब क्रीम्स अलग अलग तरीके से लगाते हैं, मैं ऐसे लगाती हूँ। ऐसे पहले तो हाथ में रब करके लगाती थी, बट अभी जस्ट फेस पे पोर करके एंड फिर लगाती हूँ। सो दिस इज लाइक I am right now, and इसके बाद मैं फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ। फिर आपको अगर बाहर जाना हो तो आप काजल वगैरह सब कुछ लगा के जा सकते हो, सो दैट इज़ अ ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट, बट अभी मुझे कहीं भी जाना नहीं है, तो आई विल बी लाइक दिस। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं
वो बनाने वाली हूँ. लाइक सम प्रोडक्ट्स आर देयर विच केम यस्टरडे फ्रॉम पर्पल एंड सम अदर स्टफ्स आई बॉट, तो वो सब अभी आ चुका है, तो मैं उसको थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँगी कि उससे क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं. इन द नेक्स्ट वीडियो इट्स देयर, जस्ट ये वीडियो के लिए ओनली द स्किन रूटीन आई फॉलो, थ्री आइटम्स इज देयर. एक तो टोनर हो गया, सेकेंड इज द सीरम एंड थर्ड इज़ द मॉइस्चराइजर. अब बॉडी पे भी बॉडी मॉइस्चराइजर आता है, ऑल दैट यू कैन अप्लाई, बट फॉर द फेस आई जस्ट यूज़ दिस थिंग्स एंड ये मेरे फेस को बहुत टाइम तक हाइड्रेट रखता है. एंड आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कोई पिंपल वगैरह नहीं है, बिकॉज दीज आइटम्स आर समथिंग लाइक दे डोंट प्रमोट पिंपल्स, यू नो पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं. मैंने जितना भी देखा है, मेरी मॉम ने इसे जस्ट कुछ दिन पहले लगाना स्टार्ट किया है, बिकॉज शी हैड सम डार्क पैचेस हियर इन दिस पोर्शन ऑफ अ फेस, पूरा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गया था. तो मैंने उन्हें ममाअर्थ का डार्क स्पॉट रिमूवल क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम ला के दिया था, बट उन्हें उससे कुछ हेल्प नहीं हुआ. देन वो क्रीम ख़त्म होने के बाद उन्होंने दो दिन मेरा ये क्रीम लगाया, मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये वाला लगाया, प्लम वाला. तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ वेरी नाइस क्रीम. वो फर्स्ट अप्लाई करते ही उन्हें समझ में आया कि उनकी ये जो डार्क पैचेस थे वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे, गायब नहीं हो रहे थे, इट वॉज फेडिंग आउट. तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा. तो ये अभी मम्मी भी यूज़ करती है और मैं भी यूज़ करती हूँ. सो इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. लाइक ये किसी को साइड इफ़ेक्ट या फिर फेस पे पिंपल हो या फिर यू नो लाइक स्क्रैचेस हो कुछ नहीं देता. बहुत सारी क्रीम्स है, मैंने बहुत चीज़ें अप्लाई की है अपने फेस पे, देखा है सब कुछ ट्राई करके कि कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 2 ईयर्स से इसे यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे कोई भी यू नो नुकसान नहीं हुआ. ये बहुत दामी है, बहुत कॉस्टली है, आई मीन ये 575 के आसपास का आता है. तो ये मैं प्लम से लेती हूँ, बहुत सारा सामान एक साथ में लेती हूँ, तो 400 समथिंग में आ जाता है. और इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा पड़ा, मैंने वापस से ऑर्डर किया है, वो आ चुका है. मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि क्या क्या आया है. तो इस बार मुझे 517 का पड़ा, थोड़ा ज़्यादा पड़ा, इट्स ओके. नो ये जितना काम करता है, ये 517 रुपीज़ भी पड़ा तो भी ये मेरे लिए काफ़ी है, बिकॉज यू नो दोजन लगाते हैं चाहिए ही होता है. दोजन का क्रीम का प्राइस अगर 517 रुपीज़ आता है तो इट्स फाइन. और ये थोड़ा सा अप्लाई करने से ही आपके फेस के लिए इनफ है, लेकिन मेरा फेस थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ. लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सा अप्लाई करने से बहुत ऑयली हो जाता है लगाने के बाद एट दैट टाइम, एंड फिर ये अच्छे से ड्राई आउट हो जाता है आपके फेस पे, एंड इट डजंट गिव यू एनी फीलिंग ऑफ यू नो लाइक स्टिकीनेस. एकदम स्टिकी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है. तो आप लोग ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए भी. तो अगर आप लोग को और कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द बिलो ऑप्शंस, एंड मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि नेक्स्ट आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी. अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए कि आप इस चीज़ का रिव्यू करो तो मैं उसे यूज़ करूँगी एंड उसके बाद ही मैं रिव्यू करूँगी. तो सो डोंट वरी कि मैं ऐसे ही कुछ बोल दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग जस्ट मुझसे पूछ सकते हो एंड देन आई विल जस्ट रिवर्ट इट बैक टू यू. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.